मेरे देश में 132 करोड़ लोग हैं मेरे देश में, क्योंकि मेरा देश महान है। यहाँ पे 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जवान हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ है मेरे देश में। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है मेरे देश में। 464 पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट किया 2014 के इलेक्शंस में। 54 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया। ये नंबर UK, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। पूरी दुनिया की नज़र हम पे है यार। हमारा सुपर पावर बनने का इरादा है। दिवाली के दिन 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के पटाखे जलाते हैं मेरे देश में। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट यूजर्स इंटरनेट चलाते हैं मेरे देश में। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे देश में। अनगिनत कम्युनिटीज हैं मेरे देश में। कुछ बड़ा करने की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है मेरे देश में। हर इंसान टैलेंटेड है यार। हर इंसान के अंदर वो एबिलिटी है मेरे देश में। अपनी सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस को इस वीडियो में जताऊंगा। इतने सारे नंबर्स बता दिए यार, अब आपको नंबर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। दुनिया को जीरो हमने दिया, गिनती करना भी हमने सिखाया, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा भी हमने सिखाया, डेसिमल सिस्टम एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम भी हमने बताया। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला को हमने बनाया। हमारे पास दुनिया का सारा ज्ञान था, इसीलिए हमारा देश महान था। पहले हमारे देश के लोग थोड़े गंभीर थे। 18th सेंचुरी से पहले हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर थे। ये सब पता नहीं है, इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे लोग बकवास कर रहे हैं। चाय पी लो फ्रेंड्स जैसी वीडियो बना के न जाने कितने सारे लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश बोलने वाली कंट्री हम हैं। अब वक्त आ चुका है दुनिया को बताने का कि हमारे अंदर कितना दम है। जो लोग हमें बैकवर्ड, गरीब या फिर बेवकूफ समझते हैं, ये सब उनका भ्रम है। बस सीरियस होने की जरूरत है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे अंदर भी वो क्लास है। पूरी दुनिया का 11% सोना तो हमारे देश की हाउसवाइफ्स के पास है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको, मास्टर कार्ड, एडोब, इन सारी कंपनीज के CEO हमारे देश से निकले हैं। अगले 10 सालों में दुनिया के टॉप बिलियनर्स भी हमारे देश से ही निकलेंगे। बस अब जागना होगा, अपने सपनों के पीछे भागना होगा। जब एक्सीलेंस को करेंगे हम चेज, तो एक दिन हमारा भी होगा क्रेज। इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से अपने स्पेस ट्रेवल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि स्पेस से हमारा भारत कैसा लगता है, तो उनका जवाब था कि सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। कास्ट, रिलीजन बहुत हो गया, यूनिटी स्ट्रेंथ, बनेंगे एक दूसरे का सहारा। हमने तिरंगे को अंतरिक्ष में भी फहराया। 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हमारे देश में। सिर्फ इसरो ही ग्रेट नहीं है यार, नासा के अंदर भी 36% साइंटिस्ट हमारे देश से। डायमंड को दुनिया में सबसे पहले हमारे देश में माइन किया गया। आजकल लोग पबजी खेल रहे हैं यार, लेकिन लूडो, स्नेक एंड लेडर्स और चेस जैसे एपिक बोर्ड गेम्स को इन्वेंट हमारे देश में किया गया। 4700 न्यूज़पेपर्स को 300 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में प्रिंट किया जा रहा है हमारे देश में। हर 50 किलोमीटर पे पानी का स्वाद, कल्चर और भाषा बदल जाती है मेरे देश में। दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल सिस्टम, पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है मेरे देश में, जिसको पिछले कई सालों की मेहनत से हमने बुना है। इस पोस्टल सिस्टम का नेटवर्क चाइना के नेटवर्क से 3 गुना है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंप्लॉई यानी कि इंडियन रेलवेज मेरे देश में, जिसमें हर रोज लाखों लोग चढ़ते हैं। 10 लाख से भी ज्यादा लोग आज इंडियन रेलवेज के अंदर जॉब करते हैं। 13 लाख एक्टिव जवानों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी मेरे देश में। न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोसेस करने वाली 9 कंट्रीज में से एक मेरा देश है। हमारे चंद्रयान ने दुनिया में सबसे पहले चांद पे पानी की खोज की। हम लोग अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होके मंगल पर पहुंचे। और सिर्फ मंगल पे जीवन ही नहीं खोज रहे यार, जीवन में भी मंगल खोजते हैं। हम लोग बहुत जुगाड़ू है यार, हम लोग हर चीज को एक अलग एंगल से सोचते हैं। टैलेंट भरा हुआ है मेरे देश में, फिर भी यूथ क्यों डरा हुआ है मेरे देश में? क्यों? कुछ लोगों की आंखों में नमी है। जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी भी काफी स्टेट्स के अंदर रिसोर्सेज की कमी है। मिलेनियर माइंडसेट को डेवलप करने का इकोसिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से अपने टैलेंट को मार्केट में थ्रो नहीं कर पाता। करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से यूथ ग्रो नहीं कर पाता। अपनी पुरानी ग्लोरी, शान, इज्जत और शोहरत से बिछड़े हुए हैं। यही वो एग्जैक्ट रीजन है यार, जिसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं। अभी तक जो लोग सोए हुए हैं, उन सबको जागना होगा। आराम बहुत कर लिया यार, अब फुल स्पीड में भागना होगा। करियर में कुछ करना है, जॉब सेक्टर में ग्रो करना चाहते हो, या फिर जॉब ही नहीं है, या फिर खुद का बिजनेस करना चाहते हो और जॉब्स क्रिएट करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी कोई बिजनेस है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे स्केल अप करना चाहते हो, US, UK, जापान और चाइना तेजी से भाग रहा है, एटलीस्ट उस रेस का हिस्सा बन जाओ। मेरे साथ कनेक्ट होके अपने देश की तरक्की का एक किस्सा बन जाओ।